हाय फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद बेल बटन पर क्लिक करके सबसे पहला वीडियो का नोटिफिकेशन पाए। हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि मोबाइल जो सीडी जो सॉफ्टवेयर है उसका कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पहले से उसको डाउनलोड करके रखा है और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि पेन ड्राइव बूटेबल हुई या नहीं हुई है। मैंने यहाँ पर विंडोज 7 की पेन ड्राइव बूटेबल बनाई है, उसको चेक करेंगे। तो इस सॉफ्टवेयर को हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके उसको ओपन करेंगे यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, रन द लाइव सीडी यानी कि आईओएस भी चेक करो, और आप कोई भी डीवीडी या सीडी बनाई हो तो उसको भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर हम जस्ट ये वही चेक करने वाले हैं कि मैंने जो पेन ड्राइव बूटेबल विंडोज 7 की बनाई है उसको कैसे यूज़ हो। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पेन ड्राइव को उसका पाथ दे दिया है और देख सकते हैं यानी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, यानी कि मेरी पेन ड्राइव बूट हो गई है। देख सकते हैं आप, पेन ड्राइव को कोई पीसी में इंस्टॉलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पेन ड्राइव को इजीली आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से चेक कर सकते हो, यानी कि डायग्नोस कर सकते हो कि मेरी पेन ड्राइव जो है यानी कि मेरा यूएसबी स्टिक है वो बूटेबल हुआ या नहीं हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है MobaliveCD करके। और दूसरी बात बताऊँ कि अगर आपके पास बूटेबल सीडी हो, बूटेबल डीवीडी हो, वो भी इसे इसके ज़रिए चेक कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आईओएस हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया हो और वो वैलिड है यानी कि वो बूटेबल है, यानी कि वो प्रॉपर यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि पूरा इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद या उसको डीवीडी बनाने के बाद या पेन ड्राइव बनाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि वो बूटेबल नहीं होता, यानी कि वो बूट नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है कि वो आईओएस की वजह से प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा हो पाता, या पेन ड्राइव बूटेबल नहीं होती, या आपने जो भी डीवीडी या सीडी भी बनाई हुई हो वो फेल हो जाती है, यानी कि हमारा वेस्ट ऑफ कॉस्ट होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो कि आपकी पेन ड्राइव या सीडी जो है वो बूटेबल हुई या नहीं हुई। लास्ट टाइम मैंने आईएसओ को चेक किया था, इस बार मैं पेन ड्राइव को बूटेबल हुआ या नहीं हुआ उसके लिए मैंने ये सॉफ्टवेयर नेट इंटरनेट के डाउनलोड किया है। और गूगल में सर्च करोगे तो इजीली ये आपको मिल जाएगा और इजीली डाउनलोड कर पाओगे। तो देख सकते हैं आप, विंडो इज़ लोडिंग फाइल्स, यानी कि जैसे आप सिस्टम में विंडोज़ इंस्टॉल कर पा रहे हो करते हो वैसे ही प्रोसेस इनको आपको देखने को, यानी कि वर्चुअलाइजेशन यानी कि वर्चुअल ओएस इंस्टॉल कर रहे हो वैसा आपको इन्वायरमेंट मिल जाएगा। और दूसरी बात बता दूँ कि इसके ओएस सॉफ्टवेयर करीब 2 या 3 MB का है, यानी कोई स्पेस भी वो एलोकेट नहीं करता। अगर आप इसमें VMware या वर्चुअल बॉक्स डालोगे तो कई सारा वो स्पेस आपको एलोकेट करेगा। तो ये बहुत ही बेनिफिट भी है आपके लिए कि आप VMware या वर्चुअल बॉक्स की ऑप्शन में ये यूज़ कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट की स्पीड स्लो हो या इंटरनेट में कोई दिक्कत आ रही हो, तो कई बार प्रॉपर डाउनलोड आईओएस नहीं होता, तो उस आपको इंस्टॉलेशन के बाद ही पता चलता है कि वो वैलिड नहीं है, यानी कि उसमें एरर या बग है। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप चेक कर पाओगे कि ये बूटेबल है। देख सकते हैं मेरा का इंस्टॉलेशन का स्क्रीन भी यहाँ पर मुझे शो अप हो रहा है। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप इजीली चेक कर पाओगे कि आपकी पेन ड्राइव या सीडी या डीवीडी यानी कि कोई भी बूटेबल मीडिया हो वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है बूटेबल। आपका कोई आई इशू है तो वो वर्किंग है या नहीं है, ये सभी इसमें चेक कर पाओगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब, देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑप्शन आ गया है नेक्स्ट का, तो यहाँ पर मैं पूरा इंस्टॉलेशन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो वीडियो भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद अगर कोई आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कर दीजिए और मेरा वीडियो शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।